बर्तन वर्तन सब मलना धोना है। देखिए यहाँ पर सब भाड़ा बर्तन उसे ही है पड़ा हुआ और जा रहे हैं अभी मलने के लिए। देखिए तो बाहर की तरफ तो बत्ती नहीं बढ़ रहा है। अंडा चिवड़ा और प्याज और मिर्चा है, हरियर मिर्चा। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक बीम बचा हुआ है तो ये करेंगे। तीन बीम तो कर दिए, एक बीम बचा है यहाँ पर सामने, वो करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और न्यू ब्लॉग्स वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों आज मेरा ये तीसरा दिन है यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, इसी घर में, ये बिल्डिंग में। और यहाँ से है ना बहुत मस्त ही नज़ारा दिखता है। अभी बसंत ऋतु चल रहा है तो सबके पता, पुराना पता जो है ना पूरे झड़ गया है और नया नया पता है ना पूरे आ रहा है, अभी नया नया पता। और छोटा छोटा पहाड़ भी है, बहुत ही अच्छा है देखने में, घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ से एक छोटा पहाड़ यहाँ पर है और ऐसा ऐसा पहाड़ बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर। चारों तरफ जिधर जाए ना उधर पहाड़ ही दिखता है और बहुत मस्त ही जगह है। और आज मुझे तीन दिन हो गया यहाँ पर काम करते हुए, तो चलते हैं अभी साइड में। बेतल तो कंप्लीट हो गया, अब जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ पर मसाला वसाला सब बन गया है, देखिए यहाँ पर सब मसाला बन गया और वहाँ पर करना है। और दोस्तों पूरे चार घंटा समय लग गया हम लोग का इतना सारा काम करने में। तीन बीम बनाए, अभी भी एक बाकी है, पर अभी दोपहर का 2 बज रहा है तो जा रहा है अभी लंच करने के लिए। और देखिए कितना सारा काम कर दिए, ये भी हो गया है और इधर का भी हो गया और इधर का भी हो गया, सिर्फ ये बचा हुआ है। तो लंच करके नाश्ता वास्ता करके तो ये सब काम करेंगे। अभी तो भूख लग गया, दोपहर का 2 बज गया है तो चलते हैं अभी लंच करने के लिए। उधर लंच करने के लिए खाजा आ गया है और जा रहे हैं लंच करने के लिए। अभी यहाँ पर देखिए अंडा चिवड़ा और ऊपर से हरियर मिर्च, हरियर मिर्चा है, हम लोग हरियर मिर्चा बोलते हैं, और प्याज है। जाते हैं अभी लंच करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा समय हो गया दोपहर का, अब 2:15 होने जा रहा है और भूख भी लग गया यार। देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है अंडा चिवड़ा खाने में भी, बेस्ट लगता है। टेस्टी बना है। और दोस्तों आ करके आप सभी भी खाइए, नहीं खाएंगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज। और जब भी काठमांडू लगते हैं ना तो अंडा ही चिवड़ा खाते हैं लंच में और बहुत ही अच्छा लगता है, फेवरेट बन गया है काठमांडू का। जब भी काठमांडू लगते हैं अंडा चिवड़ा खाते हैं और जनकपुर जाते हैं समोसा लिट्टी खाते हैं। यार क्या हो गया है लाइफ में, चलते हैं फटाफट खा लेते हैं अभी। देखिए अंडा चिवड़ा और प्याज और मिर्चा है, हरियर मिर्चा। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक बीम बचा हुआ है तो ये करेंगे। तीन बीम तो कर दिए, एक बीम बचा है यहाँ पर सामने, वो करेंगे। लंच तो कर लिए, अब जाते हैं फटाफट काम अपना कर लेते हैं। तो चलिए पहले काम वम करके तो चलेंगे पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए। ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। और अभी तक ले वीडियो को लाइक नहीं किए होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। दोस्तों ज़्यादा ये प्लेट अभी रख देते हैं, पानी पी लेंगे, उसके बाद में अपने काम पे लग जाएंगे। फाइनली दोस्तों आज के लिए हमारा काम तो हो गया है, पर शाम की 6 बज गया और 4 बीम और 3 पिलर काम कर दिए, पूरे क्लियर हो गया। एक पिलर बाकी रह गया यहाँ पर है, वो कल हो जाएगा और कल वाल्स वाल सब हो जाएगा, लेस लास करके सब रेडी हो जाएगा। अभी तो देखिए यहाँ से यहाँ पर भी एक पिलर है, ये भी बन गया है, ये भी हो गया और वो भी हो गया है। अरे एक सिर्फ बचिया और एक ये बचा हुआ है और ये भी क्लियर हो गया और चारों तरफ से बीम भी क्लियर हो गया। देखिए और कल आएंगे ना तो एक पिलर है वहाँ पर बाकी है तो उसे करेंगे और दीवार को सब लेस लास करना है पूरे, 1-2 और इधर 3 और उधर 4, चारों साइड में दीवार का लेस लास करना है और बहुत ज़्यादा ही काम है। कुछ 2 दिन तो और लगेगा समय इसमें हम लोग का काम करने में। और इसमें मिस्त्री 2 है और लेबर 1 है,
बहुत ही ज़्यादा समस्या रहता है, इसलिए काम भी करना पड़ता है, दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता है और ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉग भी छोड़ नहीं सकते और दिहाड़ी मजदूरी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करना छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा ही समस्या आ जाएगा, किस्ता उस्ता सब बह के उसी में घर खर्चा और सब चलाना पड़ता है मुझे ही, मैं और मेरा पापा ही है। पापा तो लेबर में कमाते हैं 18,000 का महीना और मैं एक हूँ कि मिस्त्री में कमाता हूँ, तो 1,000 रुपये के दिन के हो जाता है मेरा। और अभी तक तो YouTube से हमारा YouTube से एक भी इनकम नहीं आया है, पर अभी डॉलर बन रहा है, $14 हुआ है मोनेटाइज, तो चैनल हुआ मेरा दिसंबर महीने में ही मोनेटाइज हो गया, पर अभी तक $14 ही बना हुआ है। तो आप सभी सपोर्ट करिए दोस्तों कि मेरा भी YouTube से फर्स्ट पेमेंट आ जाए जल्दी से जल्दी। तो अभी जा रहे हैं गोला धोने के लिए और बहुत ज़्यादा ही काम है कुछ, अभी जा करके रूम में बर्तन वर्तन सब धोना ही है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको क्या क्या हमारा रूम में भी बहुत ज़्यादा ही काम है, तो रूम में जा करके काम करेंगे। तो अभी जा रहे हैं गोला धोने के लिए और फाइनली दोस्तों रूम में तो आ गए हैं, अब बर्तन वर्तन सब मलना धोना है। देखिए यहाँ पर सब भाड़ा बर्तन उससे ही है पड़ा हुआ और जा रहे हैं अभी मलने के लिए। देखिए तो बाहर की तरफ तो बत्ती नहीं बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, जाते हैं फटाफट मल लेते पहले एक करके, एक एक करके ले जाते हैं। यहाँ से देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरे अंधेरा है अंधेरा। यहाँ पर ही हमारा बर्तन मलेंगे और जा रहे हैं, एक और है वो लेकर के आते हैं पहले, और यार क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ही थोड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। तो यहाँ पर कुकर का झपनी है और कढ़ाई है और एक थाल है, ये भी थोड़ा मल करके लाते हैं, सब मल करके लाते हैं सब। और तो भाई लोग तो मेरे दोस्त लोग सब गए हैं मासूस लाने के लिए, और क्योंकि दोस्तों आज तो बहुत ज़्यादा ही रात हो गया और शाम की 7 बजने जा रहा है, और दोस्तों ज़्यादा पहले फटाफट बर्तन वर्तन मल लेते हैं, और क्या कहते हैं कि बर्तन वर्तन मल लेंगे ना तो दूसरा काम नहीं रहेगा, तो लोग आएगा तो अपना खाना वाना बनाएगा। तो अभी चलते हैं फटाफट बर्तन वर्तन मल लेते हैं, अब मोबाइल का फ्लेक्स बाहर करके सब काम करना पड़ेगा यार। यहाँ पर देखिए कढ़ाई है, सब बड़ा बर्तन है और यहीं पे से बर्तन वर्तन सब हमारा क्लियर होगा आज। और अभी तो बहुत ज़्यादा ही रात हो गया और आप सबको दिखाने वाले हैं पहाड़ की नज़ारा है, क्योंकि रात में बहुत ही अच्छा दिखता है यार। अभी तो पानी भी नहीं आ रहा है यार, क्या बोले कि पानी भी नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, पानी आएगा ना दोस्त लोग आएंगे तो पानी वानी सब थपेंगे ना, तो पानी चालू करेंगे तो होगा काम वम सब सही के लिए। और यहाँ से देखिए कितना मस्त सब पत्ती वत्ती बह रहा है यार, बहुत ही बेस्ट दिख रहा है, सब पहाड़ पर घर बना हुआ है ना तो वही दिख रहा है यार। और यह जितना मेरे बैकग्राउंड में बत्ती बल रहा है वो सब पहाड़ ही है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, पूरे पहाड़ पर ही घर बना हुआ है। और अभी रात के समय में क्योंकि बत्ती वत्ती बलता है ना तो सब दिखता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से बहुत ही बेस्ट व्यू दिख रहा है, चारों ये सब पहाड़ पर ही घर बना हुआ है यार, पूरे बत्ती बल रहा है। और मेरे मोबाइल में उतना तो खास करके कैमरा नहीं है, इसलिए ऐसा धुंधला धुंधला काला कालापन दिख रहा है, और रात भी हो गया है इसलिए दिख रहा है ऐसा। तो चलते हैं अभी बर्तन वर्तन फटाफट मल लेते हैं, क्योंकि मेरा भाई लोग और दोस्त लोग सब गए सामान लेने के लिए और मैं अकेला ही अपने रूम में हूँ, और सोचे हैं कि बर्तन वर्तन सब क्लीन करके रेडी कर दें, क्योंकि आएंगे ना लोग तो खाना वाना बनाएंगे और अपना सब काम करेंगे, मैं सिर्फ बर्तन मल दूंगा, क्योंकि सुबह और शाम में ही बर्तन मलना रहता है, दोनों टाइम मैं ही बर्तन मल देता हूँ, खाना भी मैं ही बना देता हूँ। मेरे से बड़ा बड़ा आदमी है और बुजुर्ग लोग से बर्तन मलवाने में और खाना बनवाने में अच्छा नहीं लगता है, पर कोई बात नहीं, बर्तन वर्तन मल देते हैं तो कोई बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और वो लोग तो कभी कभी खाना भी बना देते हैं, हेल्प कर देते हैं, यह नहीं कि हेल्प नहीं करते, बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं, हेल्प कर देते हैं। और अभी बर्तन वर्तन यहाँ पर देखिए निकाल करके रखे हैं मलने के लिए, और बत्ती भी नहीं है यहाँ पर, बॉल वॉल कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना मोबाइल के फ्लेक्स बाहर कर ही वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और फ्लेक्स बाहर के ही अपना बर्तन वर्तन मलेंगे। और दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो है ना तुरंत आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।